हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का सेंटेप एग्जाम का आंसर की। जी हाँ, तो ये इंग्लिश का आंसर की है। जी हाँ जी, जो इंग्लिश कंपलसरी आपका 100 मार्क्स का आईएससी आईकॉम और आईएएम में जो इंग्लिश है, मैं उसी का यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ भी एक एक क्वेश्चन को देखना है। जी हाँ, जिसका एग्जाम हो चुका है तो आप लोग सोल्यूशन को देखेगा, और जिसका एग्जाम अभी तक इंग्लिश का नहीं हुआ है तो आप लोग पूरा पेपर को देखेगा। जी हाँ, क्योंकि मैं सारा सोल्यूशन बताने वाला हूँ और यही क्वेश्चन आपको यानी सेंटेप एग्जाम में इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बढ़िया से देखना है और सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना और एग्जाम में आपको जैसे का तैसे छाप देना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर वन में, चलिए तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ही विल नेवर फॉरगेट इट। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इट विल नेवर फॉरगेटन बाई हिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन सेकंड, क्या बोला जा रहा है। When I was young boy, I dash read without glasses। तो यहाँ पे भी आपको auxiliary verb चूज करने, कौन सा auxiliary verb आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कौन सा आ जाएगा यहाँ पे could आ जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री में। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीन पे आ चुका है। When सुनैना dash back she will cook। तो यहाँ पे भी आपको क्या करने है, जो करेक्ट टेंस फॉर्म है उसको चूज करने है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा, comes हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सी, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। व्हाइल शैहान वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग, चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस चूज करना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रीडिंग हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन सिक्स में। द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर कौन सा क्या करने हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड करने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन में। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। चलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, जिनका एग्जाम हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है दोनों को देखना है। जी हाँ, जिनका हो चुका है तो आप लोग सोल्यूशन को देखिएगा और जिनका नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपको यानी सेंटेप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन को देख लेना है और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, क्या यानी एट आ चुका है स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है। रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। यहाँ पे आपको यानी करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दाओ रोहन इज अनवेल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन में। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन डैश हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी यानी क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। स्टे डैश योर लिमिट्स। तो यहाँ पे टेन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी यानी विद इन हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन चूज करने है राइट आंसर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर इलेवन में। तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये कौन सा जो वर्ड है उसका स्पेलिंग सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी रिदम हो जाएगा, डब्ल्यू यानी आर एच वाई टी एच एम हो जाएगा, रिदम का स्पेलिंग करेक्ट है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्क्रीन पर आ चुका है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ, जी हाँ, ग्रम्बल का कौन सा जो सिनोनिम होगा यानी कौन सा एक जैसा वर्ड होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी टू कंप्लेन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, तो ध्यान से देख लेना है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु इंटरेस्ट विदाउट एनी इन्विटेशन। तो यहाँ पे कौन सा यानी राइट आंसर हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंटर्डर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या है 14 में। सुनीता एंड समीर डैश द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जी हाँ, ये जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको एंटोनियम यानी उल्टा वर्ड आपको बताने हैं, तो यहाँ पे ओपन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में।
हरी अप द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, तो कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन वो करेक्ट होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू हरी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, जब कौन सा जो स्पेलिंग है वर्ड का सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सी ए एस एच आई ई आर, यानी कैशियर का स्पेलिंग सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, डोंट वरी डैश की इज इन माई पॉकेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में, कुड यू डैश मी प्लीज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, हेल्प हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करने है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अनिता देसाई रोट ए गुड नॉवेल हो जाएगा। आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ही डैश टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब सुटेबल है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 में, We were dash for the train। जी हाँ, choose the correct phrase। कौन सा phrase correct है? तो right answer आपका option number A हो जाएगा, यानी in time हो जाएगा। अब next question देख लेंगे, question number 23 क्या है, question number 23 में, He is simple dash greedy। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में, तो राइट आंसर आपको बताइएगा, ही हैज टू बी assisted by me, choose the correct active voice। जी हाँ, तो कौन सा एक्टिव वॉइस करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, आई हैव टू असिस्ट हिम, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 में, ही इज डैश टू बिगिन द वर्क। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करने, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, अबाउट हो जाएगा। आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में, चलिए तो आंसर दीजिएगा आप लोग, अगर पता होगा तो, नहीं होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सुरेश फादर आस्क्ड डैश नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, हिम हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 में, इन द विंटर्स द वैलीज आर डैश द हिल टॉप्स। तो यहाँ पे 27 का कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताने हैं। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फोगियर हो जाएगा। आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में, तो राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, इट्स इजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, टू गेट हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड therefore nobody gets dash him, choose the best option। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अलोंग हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30 में, रीता गोट व्हाट शी वांटेड डैश। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, डिड नॉट सी हो जाएगा। जी हाँ, डिडंट सी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में, तो राइट आंसर बताने की हम लोग कोशिश करेंगे, वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डैश शॉर्ट। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, इज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 में, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस करेक्ट है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही शुड नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में, चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, व्हेन विल यू हैंड डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, इन आ जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 34 में, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, नहीं गलत है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, गुड इवनिंग हैव ए सीट। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, 35 में, चलिए डिड शी डैश हिम फॉर लंच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, इनवाइट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, कौन सा स्पेल यानी सही है, कौन से इस वर्ड का? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 37 में, रोहिणी डाइड
डैश कोलरा, जी हाँ, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी ऑफ हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला जा रहा है 38 में, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, कौन सा कॉम्बिनेशन सेंटेंस का सही है, तो राइट आंसर आपका 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोला जा रहा है 39 में, पीपल डैश ड्राइव केयरफुल्ली, जी हाँ, चूज द सुटेबल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शुड हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, राम सेज आई मस्ट डू इट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी राम सेज दैट ही मस्ट डू इट। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, What are they laughing dash? Choose the suitable preposition, जी हाँ, कौन सा preposition आएगा, तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, एट आ जाएगा। और आपको क्लास को पूरा देखना, जी हाँ, अगर आप सेंटर एग्जाम इंग्लिश का देखना चाहते हैं और जो दे चुके हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने आंसर की, आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया है। चलिए, और अपने जो क्लास का लिंक है अपने दोस्तों को जरूर शेयर की जाए ताकि वो भी चेक करे और अच्छे से आंसर यानी एग्जाम दे सके। क्या बोला जा रहा है 42 में, आयल डैश ऑन वाटर, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, फ्लोट्स हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्या है 43 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, दिस इज एन ओरिजिनल बुक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में, डैश दैट ट्रूथ इज डिफिकल्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी टेलिंग हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन 45 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ही हैज सीन डैश ताजमहल, जी हाँ, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, द हो जाएगा राइट आंसर। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्या 46 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कौन सा स्पेल यानी वर्ड का स्पेल्ड सही है यानी स्पेलिंग सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फेवरेट हो जाएगा, FAVOURITE हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्या बोला जा रहा है, द बॉय एट अलोट, यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट है, तो 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी अलोट वॉज इटन बाय द बॉय हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या 48 में, द सिनोनिम ऑफ लर्निंग, जी हाँ, यानी लर्निंग का जो सिनोनिम यानी एक जैसा वर्ड क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोला जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज, जिसे ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इसके लिए एक वर्ड क्या होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोला जा रहा है 50 में, He was taught English by me. Choose the correct active voice. कौन सा active voice correct है? तो right answer आपका option number B हो जाएगा, जी हाँ, I taught him English. चलिए आप देख लेंगे next question, question number 51, क्या है 51 में, The antonym of aristocrat. जी हाँ, तो aristocrat का आपका यानी antonym यानी उल्टा शब्द बताने हैं, तो right answer आपका option number कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल option number D हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा, commoner हो जाएगा। आप देख लेंगे next question, question number 52, क्या बोला जा रहा है 52 में, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू, जी हाँ, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, इन आ जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोला जा रहा है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट डैश फ्रॉम बांग्लादेश, चूज द सुटेबल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, आर इंपोर्टेड हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ऑड वन, जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो सबसे अलग थलग है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्रूट्स हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, आई एम डैश ग्लैड टू सी यू, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी यानी वेरी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोला जा रहा है, चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, चूज द सुटेबल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, फॉलो हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आई डो नॉट एग्री डैश यू, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, विद हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम, जी हाँ, चूज द सुटेबल ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, तो 58 का आइटम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, क्या बोला जा रहा है, सी इज
एज जेंटिल, जी हाँ। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यानी 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, एज ए डव हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 60, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में, सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड चूज द करेक्ट सुटेबल ऑप्शन, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, मेडिटेशन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 61, जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला जा रहा है, 61 to 100 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बुक पोर्शन को करेंगे, ग्रामर पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स इज टेकन फ्रॉम, जी हाँ, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 62, क्या है क्वेश्चन नंबर 62 में, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर डैश पेस, जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फास्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 63, क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज, जी हाँ, तो कितने रुपीज का चेक लिखा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1000 रुपीज हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 64, क्या बोला जा रहा है 64 में, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर हु इज ही इन द सेंटेंस, ही कौन इस सेंटेंस में कौन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी नानू काका हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में, चलिए राइट आंसर बताइएगा आप लोग, द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द सिंगिंग ऑफ द, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हुआ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रीटी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, रसेल्स राइटिंग एम्फेसिस, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पीस एंड लिबर्टी हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, क्या बोला जा रहा है, इन नॉन टेक्नो क्रेटिक सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज, जी हाँ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्लान हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला जा रहा है, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, जी हाँ, तो कितने साल की उम्र में बेंजी स्कूल छोड़ा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 14 ईयर्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 69 में, डैश एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, गांधी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्या है 70 में, चेकॉव्स वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डैश ऑफ हिज डे, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, जी हाँ, रसिया हो जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जी हाँ, आपको वहाँ पे जुड़ जाना, और जो भी डाउट्स हो आपको वहाँ पे पूछ लेना, और जो भी आपको यहाँ पे आंसर की जाइए आप मैंने पूछ ले सकते हैं, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना, इसी तरह की आप सारे सब्जेक्ट का आंसर की जाती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना है, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम हो चुका है आपका सब्जेक्ट का, सारे का आंसर की अपलोड किया गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो यहाँ पे आपको सारा इसी चैनल में मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।